निर्देशे तिष्ठन् वनं सद् यत्नानुज नानुजविशेष यस्मिन् विरुद्ध अस्मात् प्रसाद सम्मुख सम्मुखकलया कलेश इच्छ्वा कुवंसवतीगुरोर्निर्देशे तिष्ठन वनम सदयिताज अविवेश विरुद्ध दस कंदराद तो अनुवाद और तात्पर्य हिस ग्रेस अभय चरणाल बिंद श्री प्रपाद जी के द्वारा श्री प्रपाद की जय तो प्रपाद जी इसके अनुवाद में बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतुकी की कृपा करने हेतु समस्त जीवों पर न सिर्फ मनुष्यों पर बल्कि समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा करने हेतु कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित इच्छवाकू महाराज के कुल में अपनी अंतरंगा शक्ति देवी सीता के स्वामी के रूप में प्रकट हुए तो भगवान श्री राम के प्राकट के विषय में यहाँ पे श्लोक में चर्चा की गई है अध्याय के प्रकार से नाम है विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान के निर्धारित अवतार तो ये राम अवतार भगवान का कि विशिष्ट कार्यों के लिए भगवान प्रकट हुए हैं और आगे बता रहे हैं कृपा जी वे अपने माता पिता अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से बन गए अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां पर रहे भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली दस सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंततः वह विनष्ट हो गया तो भगवान के चरणों में अपराध करने से कृपकार से भौतिक रूप से अत्यंत जो अत्यंत ही बलशाली था शक्तिशाली था दस सिरों वाला रावण उसका भी विनाश हो जाता है तो ये तो रामायण है बहुत बड़ी कथा है आपने देखा होगा पिछले लॉकडाउन में रामानंद सागर जी ने रामायण चलाई थी तो पूरा महीना निकल गया था भक्तों का तो इसको तो एक श्लोक में समेटना बहुत ही असंभव है फिर भी हम रामायण के कुछ चुनिंदा जो प्रकरण है जो लीलाएं हैं उन पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि भगवान राम जो प्रकट होते हैं तो ये कहाँ प्रकट हुए ये खटवांग खटवांग के कुल में खटवांग वो थे इसके पहले ही अध्याय में खटवांग के विषय में चर्चा की है भागवतम में नौवे स्कंद के नौ नंबर अध्याय में खटवांग के विषय में चर्चा हुई है रूपा जी कहते हैं खटवांग को खाली दो क्षण थे जब देवताओं का उन्होंने सहायता कर रहे थे और राक्षसों के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनको उन्होंने पूछा देवताओं से कि अभी मेरे पास कितना समय है बोले दो ही क्षण बाकी है तो बोले ठीक है एक क्षण में मुझे मेरे मृत्यु लोक में पहुंचा दो और एक क्षण बचा था तो उन्होंने भगवान को अपने देह से व्यक्त होकर भगवान का ध्यान किया और भगवान को प्राप्त कर लिया था ऐसे खटवांग तो उन्हीं खटवांग के कुल में हुए दीर्घ उनके पुत्र थे खटवांग के पुत्र दीर्घ दीर्घबाहु दीर्घ के पुत्र थे रघु रघु के पुत्र अज और अज और के पुत्र हुए दशरथ और जिन दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं परम ब्रह्म प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से इस वंश में खटवांग के कुल में दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो जब दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी तो दशरथ जी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे और दशरथ जी इस चिंता को अपने गुरु के सामने व्यक्त करते हैं तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उलझने आती है आध्यात्मिक जीवन से संबंधित हो जैसे हम ग्रस्त हैं तो भौतिक जीवन से भी संबंधित हो सकती है तो हमें किसके पास चर्चा करने जाना चाहिए गुरु के पास शिक्षा गुरु उपलब्ध है शिक्षा गुरु से करना चाहिए हमारे मेरे मेरे पर्सनल शिक्षा गुरु दयालु गौर प्रभु जब भी मेरे जीवन में भौतिक और चाहे आध्यात्म कोई भी मेरे को अड़चन आती थी तो मैं उनके साथ चर्चा करता था कभी कभी वो मेरे से बोलते थे आप तो मेरे से उम्र में ज्यादा है आप बताइए ना क्या होगा मैं नहीं हम लोग ग्रस्त हैं और हम लोग इस माया में इतने रच बस गए कि हमारी जो दृष्टि है हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता साधु की दृष्टि से शास्त्र की दृष्टि से जब हम देखेंगे तभी हमें किसी भी चीज का भान होगा सही क्या है और गलत क्या है तो इस प्रकार से जब दशरथ चिंतित थे कोई संतान नहीं थी उनको आगे कुल को कौन चलाएगा वंश को कौन चलाएगा और उनके एक और चिंता थी कि जब वो गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वाहन में जाएंगे और संन्यास में जाएंगे तब उसके उनके राज्य की देखभाल कौन करेगा तो पहले वर्णाश्रम पद्धति का बहुत आ, बहुत ही आ, मतलब विश्वास के साथ पालन किया जाता था जो आज के समय में नहीं हो रहा है वर्णाश्रम का तब एक बार वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं दशरथ जी और कहते हैं निज दुख सब गुर सुनाओ कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाओ निज दुख सुख सब गुर सुनाओ अपना दुख सुख किसको सुना रहे हैं गुरु को सुना रहे हैं कहे बसिष्ठ बहु विधि समझाओ वशिष्ठ जी अनेक प्रकार से दशरथ जी को समझा रहे हैं सांत्वना दे रहे हैं जिस प्रकार से गुरु शिष्य के लिए हमेशा हितकारी होता है हमेशा शिष्य के विषय में सोचता रहता है शिष्य का कैसे कल्याण हो ठीक उसी प्रकार से वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझा रहे कह रहे हैं धरहु धीर हो हुई सुत चारी धीर धरिए धीरज रखिए धरहु धीर हो सुत चारी आपको चार पुत्र होंगे त्रिगुन विदत भगत भयहारी त्रिगुण विदत भगत भयहारी तीनों लोगों को जो जिनको तीनों लोग जानता है तीनों लोगों को धारण करते हैं ऐसे परम भगवान ऐसे ब्रह्म पर ब्रह्म जो भगत के भय को हरने वाले भयहारी भगत भक्तों के भय को हरते हो ऐसे भगवान आपके संतान के रूप में जन्म लेंगे तब वशिष्ठ मुनि भगवान के प्राकट के तैयारी में निमित्त मात्र एक जग का आयोजन करते हैं और क्या करते हैं श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा वशिष्ठ किसको बुलाते हैं श्रृंग ऋषि को बुलाते हैं काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम के लिए पुत्र की इच्छा के लिए एक शुभ यज्ञ कराते हैं सिंह ऋषि के द्वारा एक यज्ञ संपन्न किया जाता है जिसमें यज्ञ के द्वारा ऋषि के द्वारा दशरथ जी को एक खीर का कटोरा प्रदान किया जाता है कि ये अपनी रानियों को अप ग्रहण करने के कह दीजिए और उनको पुत्रों की प्राप्ति होगी इस प्रकार से दशरथ जी आते हैं कौशल्या और केकई सुमित्रा के पास आते हैं कौशल्या को देते हैं आधा आधा फिर केकई को देते हैं और केकई और कौशल्या अपने में से निकाल के आधा आधा निकाल के सुमित्रा को देते हैं वो सबसे छोटी थी इस प्रकार से भगवान श्री राम कौशल्या के और भरत केकई के, के और लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के गोद में प्रकट होते हैं और भगवान परम ब्रह्म कौशल्या गोद में प्रकट हुए हैं तो यहाँ पे कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण सो अज प्रेम भगत बस कोशिल्या के गोद व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद तो कैसे हैं भगवान व्यापक है समस्त अहम सर्वस्व प्रभो मत्वा प्रवते मजंते मुदा भाव समन्वित है सब जगह सर्वव्यापी भगवान और निरंजन निरंजन तो माया से रहित हैं भगवान माया उन पर कोई प्रभाव नहीं डालती है जैसे हमारे निरंजन से रू है माया से रहित हैं हमारे देखते ही देखते ही हमारे साथ थे और आज भगवान की कृपा से गुरु की कृपा से बहुत अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं तो निरंजन माया से रहित है और निर्गुण है तो गुणातीत है भगवान गुणों के पार प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है भगवान गुणातीत है गुणों के पार निर्गुण मतलब कोई गुण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते जो मायावादी बोलते हैं भगवान कोई गुण नहीं है कोई आकार नहीं है निराकार है निर्गुण है नहीं निर्गुण मतलब गुणों के गुणातीत गुणों के पार गुणों को पार करके है भगवान प्रकृति गुणों के वश में नहीं है भगवान ऐसे निर्गुण भगवान अजन्मा है जो जिनका कभी जन्म नहीं होता भगवान गीता में बोलते हैं जन्म कर्म ज दिव्य में तकता दे हम पुनर्जन्म नाति मामे मेरा जन्म और कर्म मेरे दिव्य हैं जो व्यक्ति ये जान लेता है वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेता त्यकता देह हम पुनर्जन्म नाति मामे तिशो अर्जुन इस प्रकार से ऐसे भगवान वही भगवान प्रेम और भक्ति के वश में प्रेम और भक्ति के वश में तो माता कौशल्या भगवान की बहुत ही उच्च कोटि की भक्त थी तो वो प्रेम और भक्ति के वश में भगवान क्या करते हैं माता कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद कौशल्या की गोद में खेल रहे, रहे भगवान कृष्ण जैसे यशोदा मैया की गोद में खेल रहे थे वैसे ही भगवान श्री राम कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं कैसे प्रेम और भक्ति के वश में होकर भक्ति और प्रेम से भगवान के भक्त्याम भिजाना थी जो भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है बोलते भगवान भक्त्यामाम भिजाना भक्ति के द्वारा ही भगवान को जान सकते हैं वही परम भगवान कौशल्या की भक्ति के वश में कौशल्या की में गोद में पुत्र के रूप में खेल रहे और एक बार एक लीला होती है माता कौशल्या सुबह में नीला के सुंदर वस्त्र पहना के सुंदर आभूषण पहना के पालने में झूलने के लिए रख देती हैं भगवान पालने में झूल रहे होते हैं श्री राम और माता भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए नारायण की आराधना करने के लिए एक सुंदर सा विग्रह उनके महल में स्थापित है उनकी सेवा में जाती है जिनकी नित्य वो सेवा करती थी और उनको भोग लगाती है तो भोग लगाती हैं और उसके बाद में क्या देखती हैं तो वही बालक जिनको माता पालने में सुला के आई थी नारायण के विग्रह के पास में बैठ के वो खीर खा रहे माता विस्मित हो जाती है वापस दौड़ के पालने की तरफ जाती है देख रहे हैं तो भगवान श्री राम अपने हाथ से अपने पैरों को पकड़कर पालने में ऐसे ऐसे कर रहे हैं झूल रहे हैं छोटा बच्चा कैसे करता है पैर ऊपर उठा के हाथ से पकड़ लेता है और ऐसे ऐसे करता रहता है ऐसे कर रहे हैं भगवान वापस जाती है नारायण के विग्रह के पास जाती है देखती है वही बालक वहां पर खीर खा रहा है माता विस्मित हो जाती है भ्रमित हो जाती है क्या हो रहा है हुँ? तो ये लीला चेतन महाप्रभु ने भी की थी जब ब्राह्मण उनके घर पे प्रसाद बना रहे थे तो जैसे वो भोग लगाने के लिए मंत्रोच्चारण करते थे चेतन महाप्रभु आके उस प्रसाद को ग्रहण कर लेते दिमाई के रूप में छोटे बालक के रूप में ग्रहण कर लेते थे ऐसा एक बार नहीं ऐसा दो बार हुआ रात्रि में जब रात्रि में सब सो रहे थे तब भी जब ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया और भगवान का जब भोग मंत्र बोला तो नेमाई पंडित आगे भोग ग्रहण करने के लिए तो वो परम भगवान जो लीला करने के लिए विशिष्ट अवतार लेते हैं विशिष्ट प्रयोजन के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए वही परम भगवान श्री राम माता के दिए हुए भोग को ग्रहण कर रहे थे तब कौशल्या माता कुछ बोल नहीं पाती हैं अशब्द हो जाती हैं कहते हैं तन पुलकित मुख आवा नयन मुद शिरनावा तो माता कौशल्या क्या करती है तन पुलकित मन मुख वचन आवा तन पुलकित हो जाता है भाव प्रकट होते हैं उनको पुलकित हो जाता है तन उनका मुख वचन नया नावा बोल नहीं पा रही है कुछ गला रुद जाता है मुख बचन ना आवा नयन मूद चरण सिर नावा और नतमस्तक होकर भगवान को नमस्कार करती हैं अपने नेत्रों को मूंद कर भगवान का ध्यान करती हैं नारायण का ध्यान करती हैं वो समझ जाती हैं ये परम भगवान है कौशल्या माँ भगवान के चरणों में शीश नवाती है इस प्रकार से भगवान बाल बाल काल में अनेकों लीलाएं करते हैं महाराज दशरथ माता कौशल्या माता केकई, माता सुमित्रा सभी के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं भगवान भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लान भवती भारत है जब जब धर्म की हानि होती है ये एक कारण है और एक दूसरा कारण है भगवान का इस धाराधाम पर आने का परित्राणाय साधु नाम साधु भक्त सज्जन पुरुषों के लिए है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान बोले योग हम, मैं सबकी रक्षा करता हूं उनकी रक्षा करने के लिए भगवान का तो ऐसे भी कर सकते थे एक बार हमारे जी जब विदेश में प्रचार कर रहे थे तो वहां पर एक विदेश भक्त ने पूछा जी आपके जो बोलते भगवान तो अनेको प्रकार की शक्तियां हैं उनके पास में शक्तियों को धारण करते हैं फिर स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे क्यों आते परित्राण है साधु नाम कोई भी शक्ति को भेज सकते हैं कोई भी शक्ति आके रक्षा कर सकती है स्वयं कृष्ण क्यों आते जो परम भगवान स्वयं भगवान है अवतार, अवतार नहीं है जो अवतारी है जिनसे सब अवतार प्रकट होते हैं वो स्वयं भगवान क्यों आते हैं तो प्रूपा जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया रूपा तो जी कहे लगे आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के फुटपाथ से जा रहे हो और एक्सीडेंटली आपका बच्चा गटर में गिर जाता है आपके हाथ से छूट जाता है तो आप क्या करेंगे दूसरे लोगों को बुलाएंगे मेरा बच्चा गटर में गिर गया जरा निकाल दीजिए इसको मैंने जूते पहने हुए हैं कोट पहना हुआ है पेंट पहना हुआ है क्या करेंगे किसी को बुलाएंगे वहां नहीं बुलाएंगे खुद नीचे उतर जाएंगे गटर में चले जाएंगे कपड़े गंदे हो रहे हैं जूते गंदे हो रहे हैं कुछ नहीं देखेंगे अपने बच्चे को जाकर उठाकर ऊपर लेके आएंगे क्यों क्यों कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो वो आपका बच्चा है ठीक उसी प्रकार से भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं मां मनसो जीव के जीव भूते सनातने मन सृष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती मां जीव लोके ये जितने भी प्रकार के लोग हैं जितने भी जीव हैं मां मंसो अम बीज प्रता मैं बीज प्रदान करता हूं सर्व योनि सुकुनते हैं सभी योनियों को बीज प्रदान मैं करता हूं भगवान हमारे पिता हैं, मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातन तब तो भगवान क्योंकि हम भगवान की संतान है तो हमारी रक्षा करने स्वयं भगवान आते हैं तो भगवान जो यहाँ पे लीला कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए लीलाएं कर रहे हैं बालपन में और इस प्रकार से खेलते, खेलते खेलते भगवान बड़े होने लगते हैं भगवान बड़े हो जाते हैं तब तो अब समय आता है भगवान के दूसरे प्रयोजन का विनाशाय च दुष्कृता दुष्टों का विनाश करने के लिए तब मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ के महल में आते हैं और दशरथ जी उनको बड़े आदर और स्नेह और प्रेम से उनको आसन पर बिठाते हैं उनकी पूजा करते हैं और मधुर शब्दों में उनसे आने का प्रयोजन पूछते हैं क्या प्रयोजन है मुनिवर आपका यहाँ आने का तो कहते हैं विश्वामित्री कि हम लोग यज्ञ कर रहे हैं जैसा ब्राह्मणों का मुनि और ऋषियों का जो जो कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना तो वो यज्ञ कर रहे हैं हम और वहां पे जो राक्षस हैं वो हमारे यज्ञ में विघन पैदा करते हैं मल मूत्र त्याग कर देते हैं हमारे यज्ञ कुंड में और हमारे यज्ञ को खंडित कर देते हैं तो हमारी इच्छा है कि आपके जो सुंदर दो कुमार हैं उन्हें आप हमें दे दीजिए हमारी सहायता के लिए राम और लक्ष्मण को हमें दे दीजिए हमारी सहायता के लिए हमारा काम पूरा हो जाएगा हम उनको वापस करने आ जाएंगे और राम और लक्ष्मण जो दशरथ जी को अति प्रिय थे चारों भाई प्रिय थे बट राम और लक्ष्मण को जब मांग लेते हैं विश्वामित्र तो दशरथ जी बड़े खिन्न हो जाते हैं बड़े दुखी मन से सोचने लगते हैं अरे ये ये मुनि क्या मांग रहे हैं आप क्या मांग हो मेरे से मांग लीजिए आपको राज्य चाहिए क्या चाहिए धन चाहिए संपदा चाहिए ये दोनों पुत्र तो मेरे प्राण हैं इनको क्यों मांग रहे हो अगर विश्वामित्र कहते हैं ये विधि का विधान था सब विश्वामित्र कहते हैं कि नहीं हमें तो आपके दोनों पुत्र चाहिए जो हमारी रक्षा करेंगे तब दशरथ जी दोनों पुत्रों को बुलाते हैं दो तने अत्यादर दो तनय बोलाए अति दो तनय बुलाए बड़े प्रेम और आदर के साथ दोनों तने, दोनों पुत्रों को बुलाते हैं दशरथ जी हृदय लाए बहु भाति सिखाए और हृदय से लगा लेते हैं अपने हृदय से लगाकर बहुभा सिखाए अनेकों प्रकार की शिक्षाएं देते हैं जैसे हम अभी भी देखते हैं जब किसी पिता का पुत्र दूसरे शहर में व्यवसाय करने के लिए जाता है या अपनी नौकरी करने के लिए जाता है तो उसका पिता क्या कहता है शिक्षा ही देता है पुत्र कितना भी शिक्षित हो पिता के लिए तो क्या रहता है वो बच्चा ही रहता है परम भगवान जो सर्वज्ञ है सब कुछ जानते हैं ऐसे परम भगवान को दशरथ जी क्या कर रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं क्या कह रहे हैं आप अपने गुरु की सेवा करना आज से यही तुम्हारे पिता हैं यही तुम्हारी माता है ये हमें शिक्षा लेने जैसा है गुरु ही हमारे पिता है और गुरु ही हमारे माता है हमें गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए जिस वक्त में ये भाव आ जाएगा गुरु भी उस व्यक्ति के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं किस प्रकार से इसका आध्यात्मिक उन्नति हो किस प्रकार से अध्यात्म आगे बढ़े तो इस प्रकार से कह रहे हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मन पिता आने नहीं को कह रहे हैं ये मेरे प्राण नाथ है ये मेरे प्राण इन प्राणों से ज्यादा प्रेम करता हूं मेरे पुत्रों को और कह रहे हैं तुम मन पिता आने नहीं को और जो मुनि हैं ये तुम्हारे पिता हैं आज से और कोई नहीं तुम्हारे पिता हैं एक पिता का जिस प्रकार से पुत्र आदेश का पालन करता है इसी प्रकार से तुम इन मुनि के आदेश का पालन करोगे और इन्हीं के संरक्षण में रहोगे इस प्रकार से दशरथ जी दोनों पुत्रों को शिक्षा देकर विश्वामित्र के साथ कर देते हैं है अब ऐसे परम भगवान जो सबके पिता है परम भगवान सबके पिता है और दशरथ जी कह रहे हैं आज से मुनि तुम्हारे पिता हैं पिता मतलब पिता पति संरक्षक यही तुम्हें संरक्षण प्रदान करेंगे भगवान जो सबको संरक्षण प्रदान करते हैं ये विश्वामित्र भी जानते हैं ऐसे परम भगवान किसके संरक्षण में जा रहे हैं विष्णु मित्र के संरक्षण में दशरथ जी कह रहे हैं आज से इनकी आप आज्ञा का पालन करिए इनके आदेशानुसार अपना जीवन व्यतीत करिए जब भगवान जो तो कि भगवान सब कुछ के मालिक है गीता हेम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्ते सब कुछ का मालिक मैं हूँ सब कुछ मेरे द्वारा प्रकट होता है ऐसे परम भगवान मुनि के संरक्षण में जा रहे हैं इसी में आगे क्रम में भगवान जाते समय तार का वध करते हैं और उसके बाद विश्वामित्र को ये ज्ञात था कि अब समय आ गया है भगवान को दिव्यस्त्र प्रदान करने का तो विश्वामित्र उनको दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं विश्वामित्र दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं और अपने यज्ञ की तैयारी करते हैं और उसी दौरान सुबाहु जैसे राक्षसों का भगवान श्री राम वध करते हैं और वध करने के बाद उनका एक सफल होता है अनेकों राक्षसों को मारते हैं राम और लक्ष्मण वहां पे जिस प्रयोजन से भगवान प्रकट होते हैं सबको मारते हैं और उसके बाद में फिर दशरथ जनक जी के यहाँ पर माता सीता के स्वयंबर की तैयारी हो रही होती है तब विश्वामुत्र के मिनी के पास में एक जनक का एक दूत आता है उनको निमंत्रण देने के लिए कि आपको राजा जनक के यहाँ पे सादर निमंत्रण है तो प्रयोजन बताते हैं कि सीता देवी का स्वयंवर है तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जा रहे होते हैं तो रास्ते में जब सर्व विद हम सब जानते हैं गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है जो आश्रम एक ऋषि का आश्रम होते हुए बड़ा सोना था कोई पशु पक्षी वहां नहीं थे मगर लता बता सब हरियाली थी ऐसा नहीं लगता था कि यह निर्जन है यहाँ कोई रहता नहीं है तो निर्जन की नहीं था वहां पे एक जन था अहिल्या वहां पे थी अभी भी अहिल्या वहां पे थी जो ऋषि के श्राप से शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी और भगवान के आने का जो इंतजार कर रही थी प्रतीक्षा में थी भगवान के वहां पे अहिल्या थी तो अहिल्या की शिला को देख भगवान पूछते हैं पूछ ही मुन ही शिला प्रभु देखी जब प्रभु ने शिला को देखा तो मुनि से पूछा सकल कथा मुनि कहा विशेषी और मुनि विश्वामित्र ने सूरी कथा उनको कहकर सुनाई अब देखिए भगवान की लीला देखिए भगवान श्री राम जो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं ऐसे भगवान शिला के विषय में जो सब जानते थे मगर क्या कर रहे हैं ऋषि से पूछ रहे हैं विश्वामित्र से पूछ रहे हैं, ये शिला क्या है तो विश्वामित्र को कहते हैं कि ये शिला अहिल्या है गौतम तो ऋषि तो के साथ से ये शिला में परिवर्तित हो गई हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं आपके चरण इस शिला को लगाइए आपके चरण से जब शिला को छुएगी तो ये इनकी मुक्ति हो जाएगी ये मुक्त हो जाएगी और ऐसे भगवान सर्वक भगवान एक भोले युवक के एक ऐसे किशोर के भांति लीला कर रहे हैं और मुनि के कहने से वो अपने चरण को शिला पे रखते छुआते हैं और इसके बाद अहिल्या स्वर्ग में चली जाती हैं फिर चलते हुए ये भगवान श्री राम जनक जी के मिथिला में प्रवेश करते हैं तो वहां पे देखते हैं सब शहर के नर नारी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो सुंदर सुकुमार कुमारों की जोड़ी है उसको देख के सब पुलकित हो जाते हैं सबका हृदय पुलकित हो जाता है कहते हैं भय सब सुख देख दो भ्राता बार बिलोचन पुलकित गाता पुलकित गाता उनका जो गाता मतलब गात शरीर पुलकित हो जाता है कैसे बार बिलोचन बिलोचन देख के राम और कृष्ण राम और लक्ष्मण की जोड़ी को देख के सबके शरीर पुलकित हो जाते हैं पुलकित गाता और मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयु विदेह देहु विशेषी दे 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 अब देखिए विदेह विदेहु कौन वक्त विदेहु मतलब विरक्त कौन राजा जनक जो इस भौतिक संसार से विरक्त थे ऐसे विदेहु भयह विदेहु विदेहु विशेषी कैसे मूर्ति मधुर मनोहर देखी जब भगवान श्री राम की मूर्त जब भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं जनक क्या हो जाता है भयहु विदेह विदेहु विशेषी भयहु विदेह विदेह मतलब राजा जनक विदेह बिना देह के हो गए शरीर का भान नहीं रहा विदेह बिना देह के हो गए शरीर की शुद्ध खो गए राजा जनक भयहु विदेह विदेहु विशेषी अपने शरीर की शुद्ध खो गए भगवान राम के दर्शन करके इतने सुंदर भगवान राम ऐसी विरक्त आत्मा जनक जैसे राजा भी भगवान के शरीर को देख के भगवान के दिव्य दर्शन करके विदेह हो गए विदेह विदेह हो गए शरीर की देह की शुद्ध बुद्ध खो दी और पूछने लगे कि ये कौन है ये कुमार कौन है क्या ये ऋषि कुमार है क्या तो विश्वामित्र ने उनके परिचय दिया कि नहीं ऋषि कुमार नहीं है ये क्षत्रिय हैं ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तो अति प्रसन्न हुए जनक और मन ही मन सोचने लगे कि मेरी सीता को ये वर्ण करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस प्रकार से सोचने लगे फिर लक्ष्मण और राम वाइटका में घूम रहे होते हैं जहां पर सीता जी की दृष्टि राम पर पड़ती है राम सीता जी को निहारते हैं और जो कि सीता जी स्वयं माता लक्ष्मी हैं, भगवान राम स्वयं नारायण हैं, तो इनका वापस जब पृथ्वी पे ये मिलन होता है एक बार दोनों एक दूसरे को देखते हैं तब बहुत ही ऐसे भगवान श्री राम जी को देख के एकदम मतलब प्रेम में इस प्रकार से अटक दे, देखते रह जाते हैं सीता जी को और सीता जी भी उसी प्रकार से देखती रहती हैं निर्बाध रूप से तब सीता जी की जो सखियां होती हैं वो उनको छेड़ती हैं सखी आपस में उनसे करती हैं छेड़ती हैं तो शर्मा जाती हैं सीता जी और वापस भाग के अपने महल में चली जाती हैं और इस प्रकार से वो दिन आ जाता है जिस दिन भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे और माता सीता के साथ विवाह करेंगे तब तो नगर के सभी व्यक्ति जब भगवान श्री राम को देखते हैं तो सभी कहते हैं कि हमारे सीता के लिए ये वर योग्य हो रहेगा अगर ये वर ये जो कुमार है अगर ये हमारे जनक जी के जो स्वयं धनुष है उसको तोड़ेंगे तो अति उत्तम होगा इस प्रकार से सब कहते हैं तब उस दिन जब धनुष तोड़ने का सब प्रयास कर रहे होते हैं तो सभी प्रयास करते हैं मगर उसको तोड़ नहीं पाते हैं अनेकों पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े राजा बड़े बड़े सतशाली धुरंधर सब लोग आते हैं उठा नहीं पाते हिला नहीं पाते उसको तब जनक जी को एक शंका होती है जनक जी का मन दुखीन हो जाता है कहते हैं मैंने क्या मैंने प्रतिज्ञा ले ली काश मैं ये प्रतिज्ञा न लेता क्या मेरी विदेही मेरी सीता का के जो भाग्य है क्या उसमें पति नहीं लिखा है क्या मैंने ये प्रतिज्ञा ले ली दुखी हो जाते हैं और सभी राजाओं से कहते हैं कि मैं सबसे क्षमा चाहता हूं मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली स्वर की आप लोग जा सकते हैं मुझे नहीं मालूम था इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं है जो इस धनुष को तोड़ पाए और ये शब्दों को सुनकर लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं क्षत्रिय थे लक्ष्मण शेषनाथ का अवतार है लक्ष्मण अनंत शेष है लक्ष्मण जी अनंत शेष का अवतार है लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं और वो तो होके क्या कहते हैं लखन सकोप वचन जे बोले महे दे तो लक्ष्मण जी सकोप कोप के साथ गुस्से के साथ ये वचन बोले कहने लगे कि आप मुझे आदेश दीजिए भगवान श्री राम से कहने लगे मुझे आदेश दीजिए इस धनुष को मैं उठा के दौड़ने लगूंगा आप मुझे आदेश दीजिए मैं पर्वतों को उठा सकता हूं आप मुझे आदेश दीजिए किस प्रकार से जनक जी ने कह दिया कि इस पृथ्वी लोक पर कोई क्षत्रि नहीं है जो इसको उठा पाए आप मुझे आदेश दीजिए तब भगवान श्री राम मुस्कुरा के उनको बिठाते हैं शांत करते हैं शांत हो जाइए लक्ष्मण लक्ष्मण आसन ग्रहण करते हैं शांत हो जाते हैं और तब विश्वामित्र जो एक शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आने की अभी तैयारी हो गई है जब भगवान श्री राम उस धनुष को उठाएंगे तो प्रति चढ़ाते समय धनुष को खंडित करेंगे तब विश्वामित्र अब यहाँ पे कहते हैं विश्वामित्र समय शोभि जानी बोले अति स्नेह में बानी स्नेह में बानी प्रेम भरे शब्दों से कहने लगे विश्वामित्र शुभ समय जानी अब ये शुभ समय आ गया है बोले उठहू राम भज तात जनक परितापा कहते हैं उठहू राम चब तापा मिट्टू तात जनक परितापा जो जनक जी का जो संताप है जो दुख है उसको मिटा दीजिए राम जनक जी जो दुखी हो गए हैं क्यों दुखी हो गए जनक जी कि शायद इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा तो क्या मेरी देवी सीता मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी ये उनको दुख था तो कह रहे हैं मिटा दे होता इनका संताप मिटा दीजिए धनुष उठा लीजिए ऐसा कहकर वो धनुष जिसको बाणासुर जैसा व्यक्ति बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठाने की क्षमता रखता है वो बाणासुर नहीं उठा पाया था रावण जैसा महाबलशाली व्यक्ति जिसने खेल खेल में कैलाश को उठा लिया था ऐसा व्यक्ति भी उस धनुष को नहीं उठा पाया था और जब राम उस धनुष को उठाने जाते हैं तो सभी जो राजा बैठे हुए सभी तरफ एक दृष्टि डालते हैं और सभी उनकी दृष्टि सब भ्रम में पड़ जाते हैं देख नहीं पाते हैं किस समय भगवान ने वो धनुष तोड़ दिया तो टूटता है उसके बाद में परशुराम जी आते हैं लक्ष्मण के साथ संवाद भी होते हैं और यहाँ पे परशुराम का मान मर्दन भी होता है और उसके बाद में दशरथ जी के पास पे संदेश आ जाता है दशरथ जी बारात लेके आते हैं जनक में और काफी समय तक वहां पे रहते हैं पहले ऐसी रिवाज थी हम हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो हम भी जाते थे शादियों में तो दो तीन दिन शादी रहती थी दशरथ जी के टाइम पे तो दो तीन महीने रहते दशरथ जी तीन महीने रहते न सिर्फ दशरथ जी रहते ऐसा नहीं आज की तरह जैसे अभी तो कोरोना में हो गया पचास व्यक्ति शादी में जा सकते हैं पचास से ज्यादा जाएंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी ऐसा नहीं था पूरा अयोध्या नगरी बारात में गई थी और पूरी अयोध्या नगरी तीन में चार महीने से वही रह रही थी आराम से सब कोई टेंशन नहीं था हमारी जैसा नहीं था छुट्टी नहीं मिलेगी अभी हमारा तो युग ही अलग हो गया है छुट्टी नहीं मिलेगी क्या करें प्रभु जी छुट्टी नहीं है आए नहीं मंगला क्या करें प्रभु जी सोए रह गए तो क्यों सोए रह गए बोले रात में बहुत लेट आए ना ऑफिस से दस बजे तक ऑफिस से आए ऐसा नहीं था पहले सब आराम से जनक जी के आदर सत्कार को स्वीकार कर रहे हैं महीनों तक तब उसके बाद में फिर कहते हैं अब दशरथ कहे आय सुहू जद पिछाड़ नहीं सकू तो दशरथ जी कह रहे हैं आपका मैं त्याग नहीं सकता कितना प्रेम आप मुझे दे रहे हैं दशरथ जी कह रहे हैं जनक से मैं इसको कैसे छोड़ू मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं लेकिन मुझे जाना है अयोध्या जाना है हमें अब हमें आज्ञा दीजिए हम जाना चाहते हैं कितना प्रेम था दोनों में संधियों में तब जनक जी उनको विदा करते हैं और इस प्रकार से चारों पुत्रियों का विवाह चारों पुत्रों के साथ होता है और सब अयोध्या वापस आ जाते हैं और अयोध्या आने के बाद में जब थे राम ब्याह घर आए नित्य मंगल मोद बुधाए जब से राम ब्याह के घर आ गए हैं कहा अयोध्या आ गए हैं नित्य मंगल रोज अनेकों अनेक प्रकार के मंगल हो रहे हैं शुभ कार्य हो रहे हैं अनेकों प्रकार के आनंद आ रहे हैं पूरी नगरी आनंद में उत्साहित हो रही है।, क्यों नहीं होगी? क्यों? माता वहां आ गई है अयोध्या में माता लक्ष्मी स्वयं लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी सीता के रूप में आज अयोध्या में आ गई है तो क्यों नहीं उस नगर की शोभा बढ़ जाएगी समस्त ऐश्वर्य अयोध्या आ गए हैं और इसी क्रम में आगे जब राज सिंहासन की तैयारी होती है भगवान श्री राम की तब देवताओं के द्वारा चिंतित होकर देवताओं के द्वारा चिंतित होकर सरस्वती देवी को यह आदेश दिया जाता है कि आप कुछ व्यवस्था कीजिए कि भगवान अयोध्या में ही सिमट के न रह जाएं, अयोध्या के राजा बन जाएंगे अयोध्या में के रह जाएंगे प्रयोजन अधूरा रह जाएगा उनको तो अनेकों राक्षसों को मारना है सरस्वती माता मंत्रा की जुबान पे आती हैं और मंत्रा की बुद्धि को भ्रमित कर देती है और मंत्रा फिर केकई को सिखाती है कहती है चतुर गंभीर राम बात सवारी कहती है राम की मेहतारी बहुत चतुर है मंत्रा कह रही है के कैसे से राम की जो मेहतारी है राम की जो मां है बहुत चतुर है समय देख के उसने अपना सब काम बना लिया है देखा तूने हैं भरत को भेज दिया ननसाल, साल भी चले गए हैं और यहां मौका पाके राम को सिंहासन दे रही है और इस प्रकार से जब कहती है मंत्रा तो केकई -के उसको बहुत अपशब्द कहती है क्योंकि तो केके की मत्ती वैसी नहीं थी केकई -के बहुत प्रेम करती थी राम को भरत की तरह प्रेम करती थी मगर यहाँ पे कहते आचार्य गण भी कहते हैं हमारे दयालु प्रभु एक बार अभी हाल ही में एक क्लास कर रहे थे वो बता रहे थे कि जब एक ही चीज को गलत चीज को बार बार कहा जाता है तो कई बार वो मन, मनुष्य के मस्तिष्क में जगह बनाने लगता है कई बार ऐसा होता है अभी समय कम है इसलिए मैं और क्लास के कथा में नहीं जाऊंगा एक कथा आती है एक ब्राह्मण एक ब्राह्मण क्या कर रहे होते हैं एक बकरे को लेके जा रहे होते हैं हाँ तो उनको तीन व्यक्ति अलग अलग जगह पे बोलते हैं क्या पंडित जी कुत्ता को कंधे पर रख के लेके जा रहे हो एक व्यक्ति बोलता है पंडित जी कुत्ते को कंधे पर रख के लेके जा रहे हो क्या हो गया आपको ब्राह्मण हो गया कुत्ता कंधे पर रखा हुआ अरे भाई कुत्ता नहीं है बकरा है वो मैं किसी को दे दूंगा मुझे दान में मिला है मैं दान में दे दूंगा मुझे क्या करना है इसका अरे तो कुत्ता है भाई बकरा नहीं है अरे क्या बात कर रहे हो आगे एक व्यक्ति ऐसे बोलता है आगे और एक ऐसी बोलता है तीनों व्यक्ति प्लानिंग करके बकरे को कुत्ता बनाते हैं और ब्राह्मण कुत्ते बकरे को छोड़कर भाग जाता है बोले कुत्ता मैंने कैसे कर कंधे पर रख लिया यानी तीन व्यक्ति एक ही बात को बार बार कहेंगे तो मनुष्य के मस्तिष्क में वो आने लगती है वैसे ही मंत्र आने या बार 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 केकई -के, -के, के कान भरे तो के कई की समझ में कुछ कुछ आ गया और उसने फिर अपने दो वचन जो मांग रखे थे दशा जी से दोनों वचन में भगवान श्री राम के लिए अः बनवास मांगा और भरत के लिए राज मांगा और इस बात को जब सुनते हैं तो आ, सीता जी को भी पता लगता है और भगवान श्री राम जिनका कल अभिषेक होना है कितने को ये भगवान सिखाते हैं हमें कैसे विरक्त रहना है सुख और दुख एक समान रहना है जब भगवान के सुख के क्षण आ रहे थे अभिषेक होना था तब भी भगवान सामान्य थे और जब भगवान को पता चला कि वन जाना है राम को तब भी सामान्य थे विचलित नहीं थे भगवान और जब सीता जी के पास में जाके कहते हैं कि मैं बन जा रहा हूं तो सीता जी बहुत दुखी हो जाती है इसलिए नहीं कि भगवान श्री राम बन जा रहे हैं इसलिए कि मैं बन जा रहा हूं ऐसा क्यों कह दिया आपने मैं क्यों कह दिया आपको कहना चाहिए था हम बन जा रहे हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगी मैं भी आपके साथ में रहूंगी तो कहती है जे बिन देख ते सही नाथ पुरुष बिन नारी जिये देह नदी बिन बारी नदी बिन बारी बारी मतलब जल जल के बिना नदी कैसी है कोई औचित्य नहीं है जिये जी देह जीव के बिना देह क्या है मिट्टी है कोई औचित्य नहीं है जिये देह नदी बिन बारी ते सही नाथ पुरुष बिन नारी हे नाथ ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री है देखिए माता सीता भगवान श्रीराम को पति के रूप में अपने स्वामी के रूप में किस प्रकार से स्वीकार करती है हुँ? आज ऐसा है क्या आज के समय में ऐसा है भगवान कहते हैं सीता जी कहती है कि आपके चंद्रमा जैसे रूप को मैं निहारती रहूंगी मुझे यहां नहीं रहना है मैं आपके साथ में रहूंगी जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ में के अपना जीवन यापन करूंगी रहे हैं कि आपके साथ रहकर आपके शरद की पूर्णिमा के समान मुख देखकर मुझे सुख प्राप्त होगा मैं आपके चंद्रमा जैसे मुख मंडल को देखती रहूंगी मुझे यहां वो नहीं जीवन बारी, नाथ बिन नारी ये भैव ये और यहाँ ऐश्वर्य महल के मुझे कुछ नहीं भाएंगे अगर आप नहीं रहेंगे तो तय सही नाथ पुरुष हे पुरुष के बिना नारी उसी प्रकार से है और आज के समय में चाय में शक्कर कम पड़ गई तो झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कोर्ट में चला जाता है और चार दिन के बाद में तो पत्र आ जाता है हम लोग अलग अलग हो गए छुट्टे हो गए ये आज के संबंध है तो ये रामायण हर कदम पे हमें शिक्षा देती है हा? आज वैसा नहीं है तब उस प्रकार से भगवान श्री राम फिर आगे जाते लक्ष्मण जी साथ में रहते हैं हमेशा लक्ष्मण जो अनंत शेष है जो बलराम हैं जो द्वापर में बलराम के रूप में प्रकट होते हैं कृष्ण के साथ रहते हैं वही लक्ष्मण त्रेता में राम के साथ लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं जो अनंत शेष का अवतार है भगवान की सेवा के लिए चले जाते हैं लक्ष्मण जी को मना करते हैं आप पिताजी का ध्यान रखना तो कहते हैं नहीं तो ठीक है माता से आज्ञा लेके आइए तो माता के पास जाते हैं सुमित्रा कह दी तुम्हारा तो जन्म ही भगवान की सेवा के लिए हुआ है जाइए उनकी सेवा करिए मेरा आदेश है मैं आज्ञा देती हूँ आप लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं उर्मिला का त्याग देखिए उनकी पत्नी का त्याग देखिए उनके बिना यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करती हैं तो इस प्रकार से आगे जाते हैं और एक प्रसंग आता है जब केवट से नव नाव मांगते हैं नदी पार करने के लिए तो कहते हैं मागे नावन केवट आना कहू तुमार मरम में जाना मांगी नाव न केवट आना नाव मांग रहे हैं भगवान केवट नहीं आ रहा नहीं 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 मेरी मैं नहीं बिठाऊंगा भाई मेरी नाव में आप बैठ जाओगे मैं आपका मरम, मरम जानता हूं मैं आपका कहे तुम्हार मरम में जाना मैं आपका मरम जानता हूं मैं आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हूं मुझे मालूम है आपने शिला पे पैर रखा था औरत बन गई थी अरे भाई मेरी नाव है इसी से मेरा गुजारा होता है रोजी रोटी मेरी इसी चलती है आप इसमें बैठ जाओगे ये स्त्री बन जाएगी तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा नहीं नहीं मैं आपका मरम जान गया हूं मैं इसमें नहीं बैठा सकता आपको तो।, तो इतनी चतुराई से भगवान के चरण पखारता है वो मल्ला वो नाविक जो नाव चलाने वाला भगवान के चरण पखारता है और इस प्रकार से निषाद राज की सेवा लेते हैं हा? और आगे वन में घूमते हैं तो कहते हैं जह जह राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नाही श्री जहा राम के चरण पड़ जाते हैं उस वन में उसके सम्मान अमरावती भी नहीं है अमरावती स्वर्ग इंद्र की नगरी अमरावती वो भी उसके समान नहीं है जहां जहां भगवान के चरण पड़ जाते हैं वन में अमरावती के समान उससे भी आप ऐश्वर्यशाली और वहां पे जो अमरावती उससे भी अति सुंदर वहां के वन की शोभा हो जाती है जो भगवान के चौप पड़ने से वन की शोभा इतनी बढ़ जाती है जो इंद्र की अमरावती की भी शोभा उसके सामने फीकी लगती है तो इस प्रकार से अनेकों लीला करते हुए अनेकों राक्षसों का वध करते हैं सभी ऋषियों के पास जाते हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं सभी ऋषियों को आशीर्वाद देते हैं जो अनेकों अनेकों सालों से वर्षों से जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे है? सबरी के बेर खाते हैं वहां पे भगवान जाते हैं फिर अंत में जब माता सीता का हरण कर लेता है यहाँ पे प्रुपा जी तात्पर्य बहुत अच्छा बताते हैं तात्पर्य पे अपने चर्चा नहीं किया है तात्पर्य पर थोड़ा देखेंगे प्रप्पा जी का कृपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति जो भगवान के ऐश्वर्य का भोग करना चाहता है भगवान को बिना समर्पित किए वो आज के रावण के समान है तात्पर्य रूपा जी लिखते हैं इसमें तो कहते हैं कि रावण ने भी चेष्टा किया था भगवान के अंतरंगा शक्ति माता सीता को हरण करके ले गया था और आज भी कोई व्यक्ति कितना भी धन संपदा से युक्त है अगर वो उसका भोग स्वयं कर रहा है तो वो रावण है अगर भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है भगवान के मंदिर के लिए नहीं लगा रहा है भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है भक्तों की सेवा में, में नहीं लगा रहा है तो वो व्यक्ति रावण है श्रीपाद जी कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूं देखिए क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि अगर हमें इस भौतिकवादी ऐश्वर्य संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं वे रामायण से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं जो व्यक्ति इस भौतिकवादी व्यक्ति जो इस भौतिक संपदा के पीछे पड़े रहते हैं वो इस रामायण से शिक्षा ले सकते हैं कैसे शिक्षा ले सकते हैं परमेश श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना भगवान की प्रकृति का शोषण करना रावण की नीति है भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना इस प्रकृति का विदोहन करना खुद की आत्म तृप्ति के लिए जैसा हम कहते हैं जो विकासशील देश हैं है जो विकसित देश हैं जो बड़े पाश्चात्य देश हैं वो क्या कर रहे हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं क्या कर रहे हैं पृथ्वी का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं तो जो भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार के बिना इस प्रकृति का स्वयं के लिए भी कर रहे हैं वो रावण है अगर किसी के पास अटूट संपत्ति है और उसका वो भोग करके अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास कर रहा है तो वो रावण है आज भी है रावण इस प्रकार से और आगे कहते हैं कि रावण भौतिक रूप से अत्यंत समृद्ध था यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी लंका को शुद्ध सोने से बनवाया था किंतु चूंकि उसे भगवान रामचंद्र की श्रेष्ठता मान्य नहीं थी और उसने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके उनका अनादर किया था तो इतना धनी शक्तिशाली, वैभव युक्त होने के बावजूद भी रावण ने क्या गलती करी थी भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं किया था और साथ ही साथ उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया था फलत वह मारा गया और उसके साथ उसका सारा ऐश्वर्य प्राकर्म सब नष्ट हो गया तो अगर हम भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार किए बिना इन भौतिक पदार्थों निष्ठ हो जाएंगे हम भी उसी प्रकार से विनिष्ठ हो जाएंगे रावण की तरह तो इस प्रकार से यहां पे भगवान श्री राम के अवतार के विषय में इस, इस लोगों में बताया गया है मैं थोड़ा बहुत प्रयास किया आप लोगों को बताने का रामायण तो अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंता हरि अनंत हरि कथा अनंत अनंत कथा है हरि की जो हमारे जैसे बद्ध जीव उसका वर्णन नहीं कर सकते फिर भी मैंने आप सभी वैष्णवों के आशीर्वाद से प्रयास किया है इसको बताने का श्री प्रपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद